तो हमने शिव संहिता आरंभ की। शिव संहिता से दो से तीन प्रश्न आते हैं, पांच पटल पांच अध्याय है, ठीक है, पांच पटल पांच अध्याय है, कुल 642 पद्य है, 642 श्लोक है। ज्ञान का स्वरूप बोला गया नित्य और आदि अंत से रहित। ज्ञान का स्वरूप क्या है? नित्य है, एक दूसरा आदि अंत से रहित है। तत्पश्चात परम मत, श्रेष्ठतम मत, भगवान शिव बताते योग शास्त्र ही परम मत है, श्रेष्ठतम मत है, इसका आश्रय लेने पर ही भव सागर से पार हो जाएंगे। तो इसका आश्रय, तो सबसे श्रेष्ठतम मत क्या है? योग शास्त्र। तत्पश्चात ये योग शास्त्र का उपदेश किसको करना चाहिए? भगवान शिव एक विशेष यहाँ लेते हैं कि योग शास्त्र का उपदेश प्रत्येक किसी को नहीं करना, किसको? सुभक्त, अच्छा जो भक्त है, या फिर जो महात्मा है, जो महात्मा है, जिस जो महान आत्मा है या अच्छा भक्त है, उसी को इस योग शास्त्र का उपदेश करना चाहिए, अन्यों को नहीं करना चाहिए, अन्यों को नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। फिर बोल रहे हैं वेद के दो मत, बोल रहे मैं वेद के दो मत बताता हूं, एक कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। तो वेद के दो मत कौन कौन से हैं शिव संहिता के अनुसार? तो एक कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड। वैसे हम वेद का सामान्य तीन पढ़ते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वो सामान्य मत है दर्शनों के अनुरूप। लेकिन शिव संहिता के अनुरूप वेद के दो कितने मत है? दो मत है, कर्म कांड और ज्ञान कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के दो प्रकार है, निषेध पूर्वक कर्म और विधि पूर्वक कर्म। तो यह कर्म कांड भी दो प्रकार का हो गया, कर्म कांड भी कितने प्रकार का हो गया? दो, निषेध पूर्वक अर्थात नहीं करना है, विधि पूर्वक अर्थात करने योग्य है, करना ही है, विधि अर्थात करना, निषेध नहीं करना, डू एंड डोंट डू। तो निषेध पूर्व कर्म में पाप कर्म आते हैं, और पाप कर्मों का फल शिव सीता कहती है कि दुख है। भगवान शिव कहते हैं कि पाप कर्मों का फल क्या है? दुख। विधि कर्म, करने योग्य कर्म पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्मों का फल क्या है? सुख है। अब विधि कर्म के अंतर्गत तीन प्रकार के कर्म है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो विधि पूर्व कर्म का फल पुण्य कर्म है, सुख है, स्वर्ग है। तो विधि कर्म क्या करता है? स्वर्ग की प्राप्ति करता है। नित्य कर्म जो हमें नित्य करना ही चाहिए, पूजा, उपासना, स्नान, ध्यान इत्यादि, ये जो है नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो नित्य कर्म नहीं करने से पाप लगता है, नित्य पूजा उपासना, जैसे हम योग के, हम योग नहीं करते तो हमें पाप लगता है, रथ क्लेश चढ़ता है। तो नित्य कर्म नहीं करने से, करने से कुछ नहीं लाभ, कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं है, लेकिन नहीं करने से दोष लगता है, इसलिए नित्य कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए। नैमित्तिक और काम्य कर्म फल प्रदान करते हैं, निमित्त मात्र, कोई त्यौहार आया उस समय कोई विशेष कर्म करने पर या विशेष कामना का लक्ष्य करके कर्म करने पर वो फिर कामनाएं पूर्ति होती, वो फल प्रदान करते हैं। तो नैमित्तिक और काम्य कर्म फल प्रदान करते हैं, नित्य कर्म नहीं करने से दोष लगता है, इसलिए नित्य कर्म तो करना ही चाहिए। नित्य कर्म अर्थात शौच से निवृत्ति होके नहाने धोने से भोजन तक, ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। नैमित्तिक विशेष ऋतु, त्योहार, पर्व, नक्षत्र के अनुरूप और कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म, ये दोनों फल प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं। निषिद्ध कर्म, अब चौथा कर्म, वैसे सामान्य दो प्रकार कर्म कांड है, निषिद्ध और विधि। विधि तीन प्रकार के हो गए, तो चार प्रकार के हो गए, क्या? नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। और निषिद्ध, निषिद्ध कर्म का फल क्या? नरक की प्राप्ति कराता, दुख अर्थात नरक। तो निषिद्ध कर्म नरक की प्राप्ति कराता है, और विधि कर्म में ये क्या करता है? स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अब भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हैं कि स्वर्ग नरक अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के हैं, स्वर्ग नरक एक प्रकार का नहीं है, नाना प्रकार के अनेकों हैं, केवल एक ही स्वर्ग एक ही नरक ऐसा नहीं है। फिर शिवजी बोलते हैं सृष्टि संसार चक्र है, वो कर्म बंधन से युक्त है। ये संपूर्ण सृष्टि चक्र शिव संहिता के अनुसार किससे युक्त है, प्रश्न आ जाएगा, किससे युक्त है? तो किससे युक्त है? कर्म बंधन से, कर्म बंधन से ही ये संपूर्ण सृष्टि चक्र युक्त है। और कर्म बंधन का क्या होगा? पाप पुण्य। तो संपूर्ण सृष्टि चक्र कर्मों में बांधता है, और प्रत्येक कर्मों का फल या पाप है या पुण्य है।
या पाप है वो तुम योग सूत्र में भी ते आलाद परिताप पुण्य पुण्य हेतुत्वात् पुण्य और अपुण्य के कर्म, तो कर्म बंधन पुण्यमय होता है या पापमय होता है, दुख करता है या सुख करता है, लेकिन ये संपूर्ण संसार चक्र कर्म बंधन से ही युक्त है। तो प्रश्न आ जाएगा कि संपूर्ण संसार चक्र किससे युक्त है, तो कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधन से। जैसे योग सूत्र में इसी प्रकार यहाँ भी कहा, स्वर्ग भी दुख प्रदान करता है, जन्म बंधन में बांधता है, सुख में बांधता है, सुख में बांधता है। तो शिव संहिता के अनुसार स्वर्ग प्रदान करता है सुख दुख, अंततः मूलतः दुख प्रदान करता है। स्वर्ग में है तो सुख मिलता है, क्योंकि जन्म बंधन में बांधने के कारण दुख प्रदान करता है। तो यहाँ प्रश्न ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्वर्ग से मिलता है सुख मिलता है ये निर्णय है, ठीक है, लेकिन सुख भी क्या जन्म बंधन में बांधने के कारण वह सुख दुख का कारण होता है, इसलिए स्वर्ग भी दुख में दुख प्रदान करता है। तो ये किसके लिए, विवेकी के लिए है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति सर्वम दुख गुण वृत्ति विरोधा दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तो परिणाम ताप संस्कार दुख के रूप में विवेकी के लिए दुख रूप है, इसी प्रकार ये स्वर्ग भी दुख प्रदान करता है, क्योंकि ये जन्म बंधन में बांधता है। सुख भोगा फिर वापस आओ, फिर कर्म करो, फिर स्वर्ग मिला, पुण्य कर्म किए स्वर्ग मिला, भोगा खत्म हो गए, फिर कर्म बंधन अथा कर्म बंधन में बांधता, स्वर्ग भी कर्म बंधन में बांधता है, अथा स्वर्ग दुख प्रदान करता है। वैसे स्वर्ग सुख स्वरूप है, लेकिन विवेकी के लिए जन्म बंधन में बांधने के कारण वह दुख स्वरूप है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। अब योगी का मार्ग क्या होना चाहिए, तो शिव संहिता में भगवान शिव कहते हैं ज्ञान कांड, योगी का मार्ग ज्ञान का मार्ग होता है। योगी का मार्ग कौन सा मार्ग होता है, ज्ञान का मार्ग होता है। अब ज्ञान की श्रुति क्या है, ज्ञान की श्रुति क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ज्ञान कैसे बताएं, तो शिव संहिता में भगवान शिव बोलते हैं आत्मा वा अरे तू द्रष्टव्य श्रोतव्य, ये सुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। ये सुक्ति कहाँ आए प्रश्न आ जाए, इस सुक्ति का रेफरेंस क्या है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है, उपनिषदों में हमने पढ़ा है, तो ये सुक्ति बृहदारण्यक उपनिषद में ली गई है। लेकिन इस श्रुति का संदर्भ देते हुए कहा है कि ज्ञान की श्रुति श्रुतियों में, वेद यानी श्रुति, तो श्रुतियों में ज्ञान की का वर्णन है आत्मा रे, आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है, और इसको जानने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ज्ञान की श्रुति का वर्णन कहाँ है, तो शिव संहिता में है, लेकिन ये श्रुति ली कहाँ से गई है, तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद किससे है, शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से। तो इतना ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कर्मों में प्रेरित कौन करता है, तो सोहम, ये आत्मा ही, अहंकार सहित वह आत्मा ही कर्मों में प्रेरित करवाता है जीव को, जीव को। केन सितम पतति प्राणम, ठीक है, कैसे केन उपनिषद में आता है ये, प्राण कैसे पतित होता, मन कैसे गतिशील होता है, आंखें कैसे देखती, किसके कारण, तो इस आत्मा के कारण ही, इस ब्रह्म के कारण। तो यहाँ भी कह रहे हैं कर्मों में प्रेरित करने वाला कौन है, सोहम, ये आत्मा ही जीव को कर्मों में प्रेरित करता है। अब विवर्तवाद, विवर्त यानी उल्टा, विवर्त यानी उल्टा, ये सीधा है और इसका उल्टा विवर्त, इसका उल्टा विवर्त है, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो अद्वैत में भी शंकर ने विवर्तवाद दिया है कि ये जगत ईश्वर का विवर्त है, ईश्वर का उल्टा है, ये ईश्वर नहीं है, दिखता है। विवर्त अर्थात रस्सी में सांप का देखना है, सांप में रस्सी को देखने को विवर्त कहते हैं, उल्टा दिखना, मिथ्या दिखना। तो परमात्मा का विवृत जगत है, परमात्मा का विवृत क्या है, जगत है। परमात्मा का जो आभासी स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो नाशवान जो शरीर है, जो सत्य नहीं है, वह विवृत है, वो क्या है, जगत है। जगत सत्य नहीं है, जगत सत्य क्यों नहीं है, नाशवान है, अभी यहाँ है, कल जो चीज आज है वो कल नहीं होगी, इस प्रकार होने कारण विवृत है। विवृत का वर्णन या विवृतवाद का वर्णन मिलता है वेदांत दर्शन, अकेला ऑप्शन है वेदांत दर्शन, शिव संहिता वेदांत दोनों आए तो शिव संहिता भी आएगा, ये स्मरण रखना है, यह स्मरण रखना है, ये एक नया है। आत्मज्ञान का फल क्या है, तो शिव संहिता में प्रथम पटल में ही बता रहे हैं
ध्यान रखना, शिव संहिता में दो तीन प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं ये लोग। एक तो ये प्रश्न किस पटल से आया है, कोई भी चीज किस पटल से ली गई है, तो ये एक स्मरण रखना है। क्योंकि देखो नेट वालों के लिए इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जेआरएफ वालों के लिए इसमें है कि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। तीन प्रश्न आएंगे और तीन प्रश्न में से जो परीक्षक हैं शिव संहिता का एक प्रश्न तो ऐसा पूछता ही है जो कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो इस बार जैसे एक प्रश्न पूछ लिया पिछली बार उन्होंने, स्तोक माने बार बार, तो ये प्रश्न आया और वो भी संस्कृत में आया। तो शिव संहिता को वैसे भी 642 श्लोकों कोई गंभीरता से पढ़ता नहीं है, और कोई तुक्का लगा दे किसी का निकल गया, वरना वो प्रश्न सबका गलत हुआ। क्योंकि हिंदी भी नहीं लिखी, लेकिन प्रश्न आ गया किस पटल से लिया गया, इतना ही। तो तीसरे पटल का था, तो जिसको थोड़ा पढ़ा हुआ वो ढंग से फिर वो सही करेगा। इससे एक प्रश्न ये आता ही किस पटल से लिया गया है, और एक कोई नई चीज आती है। तो आत्मज्ञान का फल क्या है, दोषों का नाश हो जाता है और जगत का भी नाश हो जाता है। क्योंकि विवृति जगत है, जब तक ज्ञान नहीं है तभी तक विवृत है, और आत्मज्ञान होते ही जगत विवृत खत्म, तो नाश, जगत का नाश। फिर बोलते हैं जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले या पानी में जो बुलबुले उठते हैं वो उसी में समा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्म में जगत उत्पन्न होता है और उसी में समा जाता है। पानी में बुलबुलों का उत्पन्न होना और उसी में लीन हो जाना, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म से जगत का उत्पन्न हो रहा है उसी में लीन हो जाना। तो प्रश्न आ जाएगा शिव संहिता के किस पटल में समुद्र के बुलबुले समुद्र के फैन से तुलना ब्रह्म और जगत से की गई है, ब्रह्म और जगत की तुलना समुद्र के बुलबुले से की गई है, ठीक है, या ये प्रश्न कहाँ किया गया है, शिव संहिता एक अथवा शिव संहिता का कौन सा पटल। अब प्रश्न है जगत की उत्पत्ति किससे हुई। शिव संहिता में भगवान शिव कहते हैं चैतन्य ब्रह्म से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, चैतन्य ब्रह्म से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। फिर कहते हैं ब्रह्मांड के भीतर और बाहर सब जगह ये आत्मा ही व्याप्त है, ब्रह्म ही व्याप्त है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्म ही व्याप्त है, आत्मा ही व्याप्त है। अब ईश्वर और संपूर्ण जगत के बारे में तो बोलते हैं एकमात्र सच्चिदानंद पूर्ण एवं अद्वैत आत्मा से व्याप्त है ये संपूर्ण जगत, यही ईश्वर है सच्चिदानंद रूप में और यही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो एकमात्र सच्चिदानंद पूर्ण और अद्वैत, तो ईश्वर कैसा है, सच्चिदानंद है, पूर्ण है, अद्वैत है, ठीक है। और ये संपूर्ण विश्व इसी से जगत इसी से आच्छादित है, यह संपूर्ण जगत में ये ईश्वर व्याप्त है। अब आत्मा का स्वरूप, तो आत्मा का स्वरूप का वर्णन करते हुए स्वप्रकाशक है, वही पुरुष स्वप्रकाशक है, चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, दृश्य स्वप्रकाशक नहीं है। तो यहाँ ये योग सूत्र वाला ही वही है। फिर उसको बोला ज्योति स्वरूपक है, पूर्ण है, अविच्छिन्न है, अलग अलग नहीं होने, अविच्छिन्न नहीं, अलग नहीं होना, नित्य है, हमेशा रहने वाला, अद्वैत है, दो नहीं एक है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार ये आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये तेतरीय उपनिषद में भी आया, सत्य ज्ञान और अनंत रूप में। तो यहाँ कुछ कुछ सेम है। फिर अब आत्मज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसकी स्थिति कैसी होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। सर्व संकल्प संन्यासी मिथ्या सांसारिक बंधनों का त्याग करने से प्राप्त होता है, जिससे साधक समाधि में रमण करता है। आत्मज्ञान सर्व संकल्प संन्यासी, अर्थात जो संकल्पों से संन्यास ले लेता है, कर्मों से नहीं, संकल्पों से, अर्थात कर्मों के फलों से, मिथ्य संसारिक बंधनों को त्याग जो कर देता है वह साधक आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और समाधि में रमता है। यह आत्मज्ञान का फल है, या आत्मज्ञान कौन प्राप्त कर पाता है इसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं इस जगत का मूल कारण क्या है। माता पार्वती कृष्ण पूछती है, भगवान से उत्तर देते हैं, इस विश्व संपूर्ण जगत का मूल कारण माया ही है, अविद्या ही है। ये जो दिखने वाला जगत है इसका मूल कारण कौन है, अविद्या है।
अविद्या कैसे है, उस पुरुष के साथ प्रकृति जुड़ी तभी ये जगत उत्पन्न हुआ, और जो मैं एक से अनेक हो जाऊं इस पूर्ण अहंकार से बार अहंकार इस जड़ के अंतर्गत ही आता है, इसलिए जगत का मूल कारण माया है, अविद्या है, प्रकृति है। जगत में तीन प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं, ये प्रश्न अभी तक आया नहीं, आ सकता है। शिव संहिता के प्रथम पटल में जगत के तीन प्रकार के व्यवहार है। संपूर्ण जगत में प्राणी मात्र का, केवल मनुष्य नहीं प्राणी मात्र के तीन व्यवहार है, या तो शत्रुता का, या मित्रता का, या फिर उदासीनता का, या फिर उदासीनता का। हाथी जा रहा है, अन्य जीव मिल जाते हैं, हाथी उदासीन है, अपना चला जाता है, अपना चला जाता है। शेर जा रहा है, शेर दिख गया, शत्रुता का भाव है, शेर नहीं दिखी, मित्रता का भाव है। और शेर भूखा है, कोई जीव जा रहा है, कोई भी जा रहा है वो उसका शत्रु है। शेर का पेट भरा हुआ है, कोई जा रहा है वहां उदासीन, वो जगत का प्रकार का है। जगत का व्यवहार प्रकार का है, शत्रु का, मित्र का और उदासीनता का, अर्थात या तो हम चीजों के प्रति उदासीन हैं, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते हैं, या कोई हमारा मित्र है, या फिर हमारा कोई शत्रु है, ये तीन प्रकार का व्यवहार। अब जगत में पदार्थों के दो प्रकार के भेद है, संपूर्ण जगत में जितने कोई भी पदार्थ हैं, ये सब पदार्थ हैं, इनके भी दो भेद हैं, या तो कोई पदार्थ में अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या तो किसी कोई पदार्थ में पसंद आ जाएगा या फिर नापसंद होगा, अप्रिय, प्रिय या अप्रिय, किसी को मीठा प्रिय लगता है, किसी को मीठा अप्रिय लगता है। तो जगत में जो पदार्थ है उनके दो भेद है, प्रिय का और अप्रियता का, प्रिय का और अप्रियता का। फिर अगला जो है वो है कि जगत का प्रपंच है क्यों, तो शिव संहिता बोल रहे आत्म उपाधि, आत्मा के अपर उपाधि धारण कर ली कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, इस उपाधि के कारण ही हमारे लिए जगत है। यदि हम ये बोध हमें रहे कि हम आत्मा है तो जगत का प्रपंच हमें बोध ही नहीं होगा, लेकिन हमने क्या आत्मा के एक उपाधि ओढ़ लिया, एक आवरण ओढ़ लिया, मैं तो मनोज हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, तो उसके कारण हम, अरे ये जगत है, प्रपंच चल रहा है। ये माया विलसित जगत का लय किसमें होगा, माया से आच्छादित इस जगत का लय कैसे होगा, उस लय के लिए बोल रहे हैं श्रुति युक्ति, श्रुति से युक्ति के द्वारा, श्रुति नहीं उपनिषदों की जो ज्ञान, वेद की ज्ञान परंपरा, युक्ति अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा, अध्यारोप एवं अपवाद के द्वारा। अध्यारोप अर्थात शरीर, आत्मा के ऊपर हमने शरीर का अध्यारोप कर लिया, ये तो जगत है, अब जगत के ऊपर हम आत्मा को अध्यारोपित कर दें तो जगत का लय हो गया, फिर आत्मा ही आत्मा है। श्रुति और योग तो आत्मा को से जोड़ रहे हैं, लेकिन यदि हम शरीर के ऊपर आत्मा का आवरण ओढ़ लेते हैं कि हम तो आत्मा है, तो भी ये जगत का लय हो जाता है। और अपवाद के द्वारा, अपवाद के द्वारा ये संपूर्ण जगत ऐसा ही है, अपवाद ही है, हम तो वो है, इससे भी इस जगत का लय हो जाता है, आत्म तत्व बोध हो जाता है। या तो आत्म तत्व को ओढ़ लो, या श्रुति का अभ्यास करो, या युक्ति का अभ्यास करो, या फिर अपवाद रूपी जीवन में जियो, जो संसार जी रहा उससे उलट अपवाद एकमात्र, तो फिर जगत उसके लिए लय हो जाता है, जगत उसके लिए लय हो जाता है। विश्व उत्पन्न किससे होता है, तो शिव संहिता कहती है कर्म से ही विश्व उत्पन्न होता है, कर्म से ही विश्व उत्पन्न होता है, और कर्म का नाश होने से विश्व का नाश हो जाता है। जब तक कर्म है जब तक विश्व जगत है, हमारे कर्म बंधन जब समाप्त हो जाते हैं फिर हमारे लिए जगत का प्रपंच नहीं रहता, फिर हम आत्मा होता है, हमारा व्यवहार आत्मा के लिए होता है, फिर हमें जगत की अनुभूति नहीं होती, हम फिर हम प्रसन्न नहीं होते कि हमने आज मीठा खाया, आज हमने बहुत खाया, क्योंकि हमने शरीर को ऊर्जा देने के लिए खाया। हम ये कहेंगे तो ये हमारी धारणाएं बदल जाएगी, हमारे शब्द बदल जाएंगे, ठीक है। तो कर्म का नाश होते ही जगत की वेदना, जगत की अनुभूति का नाश हो जाएगा। सृष्टि सृजन शुद्ध ब्रह्म और अविद्या के संयोग से हुआ है, सांख्य कहता है पुरुष और प्रकृति के संयोग से, लेकिन शिव संहिता कहती है शुद्ध ब्रह्म, मूल ब्रह्म और अविद्या के संयोग से ये जगत उत्पन्न हुआ है।
तो वहां पुरुष प्रकृति है या ब्रह्म और अविद्या माया, उसी सिद्धांत ने जिसको शक्ति कहा है तो ये उसका है। अब उत्पत्ति का क्रम बता रहे हैं कि ब्रह्म के तेज अंश से आकाश उत्पन्न होता, जो शुद्ध ब्रह्म है उसके तेज, उसकी तेजस्विता से आकाश उत्पन्न होता है। और जो आकाश है इसकी तन्मात्रा शब्द है, एक ही गुण है। तो ये प्रश्न आ चुका है, आकाश कितने गुण का? एक गुण वाला। वायु में दो गुण है, आकाश का भी है वायु का है। अग्नि में तीन गुण है, आकाश भी है वायु भी है और अग्नि का है। जल में चार है, आकाश वायु अग्नि और जल। और पृथ्वी में पांचों है, आकाश वायु तेज जल और स्वयं का, स्वयं का पृथ्वी। तो पांचों तत्व पृथ्वी होने के कारण पांच गुण वाली है, जल में चार तत्व है चार गुण वाली है, अग्नि में तीन गुण तीन, वायु दो और आकाश एक। ठीक है, ब्रह्म के तेज से आकाश उत्पन्न होता, आकाश से वायु उत्पन्न, वायु से तेज यानी अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। प्रत्येक जो एक एक गुण है वो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है। लेकिन जैसे पृथ्वी के पांच हैं तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों के पांचों होंगे। जल के चार है शब्द स्पर्श रूप रस, अग्नि के तीन है शब्द स्पर्श रूप। तो ये आकाश एक गुण वाला है, वायु दो गुण, अग्नि तीन, जल चार, पृथ्वी पांच, पृथ्वी पांच। और उत्पन्न का क्रम भी आकाश ब्रह्म के तेज से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। जगत जब अभाव रहता है, जब कहते हैं कुछ भी नहीं है तो चैतन्य रहता है, चैतन्य रहता है, चैतन्य ही शेष रहता है। जब जगत का भाव हो जाता है, जब लय हो जाता है, सब कुछ प्रलय आ जाता है, तब चैतन्य ब्रह्म ही शेष रहता है। फिर उत्पन्न होता, फिर ब्रह्म एक से बहु हो जाऊं, फिर वो अनेक हो जाता है। ब्रह्म अविद्या के साथ संयोग होता है, विद्या से फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये इस जगत की उत्पत्ति का क्रम है। और इसी प्रकार जगत की लय का क्रम, पृथ्वी जल में समाई जाती है, पृथ्वी जल में डूब जाती है, जल से आच्छादित हो जाता है पृथ्वी जल में, जल अग्नि में चला जाता है, जल अग्नि में जल, पृथ्वी के मूल में देखेंगे तो सबसे अधिक अग्नि है, अग्नि वायु में समा जाती है, अग्नि विश्व ब्रह्मांड में वायु है और वायु इस आकाश में समा जाता है, संपूर्ण विश्व वायु की निर्वात के साथ फिर आकाश में ब्रह्मांड में समा जाता है। आकाश इसमें समा जाता है अविद्या में, और अविद्या किसमें? इस परम पद में, इस चैतन्य में, इस चैतन्य में समा जाता है। इस प्रकार ये उत्पत्ति क्रम और लय क्रम का वर्णन शिव संहिता में किया गया है। अब ये अविद्या महामाया कैसी है? सो सतरज तम गुणमयी है, जैसी प्रकृति है वही सत्य प्रकृति क्या है? त्रिगुण प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपरगार्थम दृश्यम। दृश्य कैसा है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता सतरज तम गुणमय है। तो इसमें भी ये बताया गया है विक्षेप और आवरणमय है प्रकृति। ये जो अविद्या है विक्षेप डालती है, आवरण डालती है, ज्ञान के ऊपर पर्दा डालती है। ये ज्ञान है तो ये ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देती है। तो विक्षेप और आवरणमय है, दुरंता है, दुख रूपा है, जड़ है, दूर से नष्ट होने वाली है, दुख रूपा है, दुख प्रदान करने वाली है और क्या है? जड़ है। स्वयं क्या है? जड़ है, चैतन्य नहीं है, चैतन्य नहीं है। ये महामाया अविद्या का स्वरूप है, जो प्रकृति का स्वरूप योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र में है। ठीक है, अब जो स्मरण रखना है ये तीनों, ये का प्रश्न इसमें से आ चुका है। तमोगुणी माया क्या कहलाती है? दुर्गा। तीन प्रकार की माया, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। और तीन प्रकार के देव है, तमोगुणी चैतन्य, सतोगुणी चैतन्य और रजोगुणी चैतन्य। तो तमोगुणी जो चैतन्य है वो ईश्वर है, अर्थात शिव, ईश्वर यहाँ सदाशिव शिव को बोला है। और तमोगुणी विद्या है, माया है, वो माता दुर्गा है, माँ दुर्गा है। इसी प्रकार सतोगुणी विद्या लक्ष्मी है, सतोगुण चैतन्य विष्णु है, सतोगुणी चैतन्य विष्णु है। रजोगुणी विद्या सरस्वती है, रजोगुण चैतन्य ब्रह्म है, सॉरी ब्रह्मा। तो रजोगुण चैतन्य ब्रह्मा, सतोगुण चैतन्य विष्णु, तमोगुण चैतन्य ईश्वर अर्थात शिव। इसी प्रकार तमोगुण विद्या दुर्गा, सतोगुणी लक्ष्मी, रजोगुणी सरस्वती, रजोगुणी सरस्वती। इस प्रकार ये तीन प्रकार के गुणों के चैतन्य और माया या विद्या है, माया या विद्या है। सभी वस्तुओं का प्रकाशक आत्मा,
आत्मा के प्रकाश से ही संपूर्ण प्रकाशित होते हैं, क्योंकि जब चैतन्य का प्रकाश होगा तभी जड़ में प्रतिबिंब होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सभी वस्तुओं का प्रकाशक कौन है? आत्मा। सभी वस्तुओं का प्रकाशक आत्मा। अब शिव संहिता में ये प्रथम की अंतिम अंतिम आता है, प्रथम अध्याय पटल के, जीव का शरीर धारण। तो जीव शरीर पिता के अन्य कोष के द्वारा धारण करता है, पिता के अन्य कोष के कारण ही शरीर धारण करता है। सुंदर शरीर पूर्व जन्म कृत कर्मों का भोग का हेतु दुख रूप है। जो हमें ये सुंदर स्वरूप शरीर मिला है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के भोग का हेतु दुख रूप है। जो हमने कर्म किए उसके भोग भोगने के लिए ये शरीर वैसे क्या है? दुख रूप है। सुख दुख के भोग का हेतु